नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सामंस तवा फ्राई। तो आज मैं आपके साथ और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है किनोआ सलाद। चिकन किनोआ सलाद बनाया है मैंने, वीडियो देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए बनाते हैं इसको। फिर इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप किनोआ लिया है, ये देखिए किनोआ है, ये पूरा आधा कप लिया था मैंने। इसको करीब डेढ़ कप पानी में मीडियम हीट के ऊपर मैंने बॉयल करके यहाँ पर रखा है। ये देखिए किनोआ हमारा बॉईल हो चुका है और एकदम फ्लफी बन चुका है, पानी भी बिल्कुल नहीं है और किनोआ रेडी हो गया है। कैसे पता चलेगा आपको, ये देखिए इसका जो छोटा सा टेल दिख रहा है ना, वाइट सा, ये जब अपीयर हो जाए तभी आपको पता चल जाएगा कि किनोआ हमारा रेडी है। ये देखिए दिख रहा है ना, तो बिल्कुल ऐसा। इसको अभी हम निकाल के रख लेते हैं अलग से। तो एकदम खिला खिला बना है किनोआ हमारा। अभी एक और कढ़ाई में बोनलेस चिकन मैंने लिया है अभी 200 ग्राम करीब, इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम बॉईल कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक और एक टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिला के ढक्कन लगा के इसको बॉईल कर लेंगे जब तक चिकन पक ना जाए अच्छे से। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही बॉईल करना है हमको। ये देखिए चिकन अभी हमारा बॉईल होके तैयार हो चुका है और पूरा टेंडर हो चुका है। इसका पानी भी सूख चुका है, अगर पानी ज़्यादा रह गया तो इसका फ्लेवर सब निकल जाएगा। तो चिकन को अभी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और एक पैन में हम गरम करते हैं करीब 2 टीस्पून ऑयल और उसमें डालेंगे हम 1 स्टिक बटर। 1 स्टिक बटर मतलब 2 से 3 टेबल स्पून करीब बटर लगता है इसमें। और फिर इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली चॉप्ड, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। और फिर इसमें डालेंगे एक बड़ा सा ऑनियन जिसको बड़ा बड़ा चॉप करके रखा है हमने और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आधा कप चिकन सॉसेज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर डालेंगे 1/4 कप बॉयल्ड स्वीट कॉर्न, 1/4 कप बॉयल्ड ग्रीन पीस, 1/4 कप रेड बेल पेपर, 1/4 कप ग्रीन बेल पेपर, इसको भी स्टीर फ्राई कर लेंगे। ये डिश बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है दोस्तों, तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमको। और फिर मैंने पास यहाँ पे 1/4 कप बॉयल्ड पटाटो रखा है, इसको मैं भी डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए, और जो चिकन हम बॉयल करके रखे थे उसको भी काट के डाल देते हैं इसमें। और इसको अभी किनोआ डालना है अभी हमको इसमें, किनोआ डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं पहले इसको। तो ब्लेंड होने के बाद इसमें हम अभी मिलाएंगे चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। सॉल्ट 1/4 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 2 टीस्पून और ऑनियन पाउडर 2 टीस्पून। क्योंकि किनोआ का कोई टेस्ट नहीं होता है ना, तो हमको थोड़ा सा टेस्ट इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा इसमें। तो गार्लिक और जिंजर जो सॉरी गार्लिक और ऑनियन पाउडर में बहुत सारा टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो बिल्कुल किनोआ में इंक्रीज हो जाता है। तो हो गया हमारा किनोआ सलाद तैयार। ये वाला सलाद बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, बना के ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कैसा रहा ये वाला रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा अगले नई रेसिपी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विथ वन न्यू रेसिपी। Goodbye.